दोस्तों, सर्दियों में मेथी न बनाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेथी की एक बहुत ही शानदार, बिल्कुल नए अंदाज की एक रेसिपी। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मेथी बनेगी। तो इसके लिए 200 ग्राम मेथी ली है मैंने, उसे धो के अच्छे से साफ कर लिया और बिल्कुल बारीक उसे हमने काट के अलग रख देते हैं। अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें 3 टेबल स्पून बेसन डालेंगे, उसके साथ ही साथ स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, बिल्कुल गांठे ना आए, उस तरह से एक स्मूथ पेस्ट हम तैयार करेंगे। बिल्कुल लूज बैटर नहीं चाहिए, थोड़ा सा सेमी लूज बैटर बनाना है हमें। तो पहले थोड़ा पानी डालिएगा, उसको अच्छे से फेंटिएगा ताकि उसके जो लम्स हैं वो निकल जाएँ, और उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह की होनी चाहिए, थोड़ी सी लूज, बहुत ज़्यादा लूज ना हो। अब इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। अब आप एक बाउल दही ले लीजिए, बिल्कुल अच्छा गाढ़ा दही जिसमें हमने पानी मिक्स नहीं किया है, और इसे अच्छे से फेंट लीजिए। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर। दोस्तों इस समय आप इसके अंदर हल्दी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। मैं हल्दी पाउडर मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं फ्रेश हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसको पकाते समय डालूंगी। अब आप एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लें। ऑयल गर्म होने पे 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दें। अब हमारी मिर्चों को थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो दोस्तों अब हमने जो मेथी रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे। अब मेथी को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे, बार बार बीच बीच में चलाते रहेंगे। एक बार अच्छे से आप मिक्स कर दें। दोस्तों जैसे मेथी पकने लगती है वो पानी छोड़ती है, इसलिए हम इसे ढक के नहीं पकाएंगे, इसको ओपन रख के ही पकाएंगे और बराबर बीच में चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे मेथी को पकने में। पकने के बाद इसका जो पानी है वो भी चला जाए, इस तरह से थोड़ा ड्राई हो जाए, उस तरह से आप करिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं अभी मेथी थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल गया है। अब मेथी को अब निकाल लेते हैं और दूसरे एक बर्तन में ले लेते हैं। इसी पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, आधा चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। जैसे हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के। अब हमें प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन रंग आए तब तक इसे फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे प्याज फ्राई होने में। थोड़ा सा रंग इसका चेंज हो चुका है दोस्तों, तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी जो मैंने आपसे कहा कि मैं फ्रेश टर्मरिक का यूज़ करती हूँ, तो उसको कद्दूकस करके मैं इसमें डाल रही हूँ। दोस्तों नॉर्मली मैं इसको अच्छे से सुखा के और फिर पाउडर कर देती हूँ, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है, धूप इतनी नहीं आ रही है, इसलिए मैं कच्ची हल्दी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार आप भी करके देखिएगा दोस्तों, इससे करी में जो है बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और कच्ची हल्दी वैसे भी बहुत अच्छी रहती है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसे भी अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट तक हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भूनना है इसमें। प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है, तो एक बार आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब हमने जो दही बना के रखा था, मसाले वाला दही, वो दही इसमें डालेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इस समय आपका गैस बिल्कुल धीमी आंच पे होना चाहिए और हमारा जो बर्तन है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इस दही को हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है। जैसा आप जानते हैं कि अगर आग तेज़ रहेगी तो आपका अपना दही जो है वो फट जाएगा, तो इसे बिल्कुल फटने नहीं देना है, बिल्कुल धीमी आँच पर। अगर आपको लगे बर्तन ज़्यादा गर्म है तो आप बिल्कुल ऑफ़ कर दें 2 मिनट के लिए, और जब तक इसको अच्छे से मिक्स न करते आप इसे चलाते रहिए। फिर आप धीमी आंच पे ही धीरे धीरे इसे पकाइए और बिल्कुल चलाते रहिए, कंटिन्यूसली आप इसे चलाते रहिए जब तक ये थोड़ा सा गर्म ना हो जाए, उसके बाद आप इसे ढक के रख सकते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। देखिए बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है इसने, दही अच्छे से पक चुका है। अब आप एक बार अच्छे से इसे मिक्स करिए। इसके बाद जो हमने मेथी फ्राई करके रखी है वो मेथी इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों इस तरह से मेथी को पहले पका के रखने से उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, और जब हम इसमें मिक्स करते हैं तो उसका जो मैंने कहा ना कि कड़वापन है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, तो इस तरह से आप ज़रूर करिएगा। मेथी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है।
अब इसके बाद बारी आती है थोड़े से नमक की। स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। नमक डाल के अब अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद इस तरह से आप उसको बर्तन में फैला दीजिए। जो मसाला बिल्कुल तैयार हो गया फैला दीजिए। अब हमने जो बेसन का घोल बना के रखा था दोस्तों, उस बेसन को घोल को इस तरह से पूरी तरह उसके ऊपर डाल दीजिए और इसे कवर कर दीजिए। इसे मिक्स नहीं करना, हिलाना नहीं है, बस ऐसे कैसे आप इसे ढक दें और 10 मिनट तक आप इसे धीमी आंच पे पकने दें। जैसे जैसे धीमी आंच पे हमारा बेसन पूरा पक जाएगा उसके बाद आप इसे मिक्स करिए। तो आप देख सकते हैं कि बेसन एक अच्छा सा टाइट सा हो गया है। अब उसे स्पून की मदद से हल्का सा तोड़ दीजिए और अच्छे से हमारी जो मेथी की सब्जी है उसमें मिक्स कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो रेसिपी है एक बिल्कुल नए अंदाज में है, आप एक बार बना के देखिए। जब बेसन और हमारी जो मेथी मिक्स होगी तो मेथी का कड़वापन बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। चपाती के साथ तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आई एम श्योर कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी भी बनती है और ये हेल्दी भी है अपने लिए। जो मेथी है वो इज़ वेरी गुड। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और प्लीज़ फैमिली के साथ शेयर करें।